लखने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आज छुट्टी है फिर भी घर पर पड़े हो? हाँ बाबा, तो और कहाँ जाकर पड़े हो? मैं तो कहता हूँ कहीं घूमने चलते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है यार। यार लेकिन जाएंगे कहाँ? अरे बाबा मेरे पास एक आइडिया है बाबा, मेरे गांव चलो बाबा, वैसे ही वैसे बड़े बड़े मजा आ जाएगा। अच्छा अच्छा बाबा, अच्छा मैं तो मजाक कर रहा था बाबा, कहीं भी जा सकते हैं, बताओ कहाँ जाना। मैं तो कहता हूँ समंदर पर चलते हैं। हाँ, और वहीं डूब के मर जाना। ओ भाई किसी फार्म हाउस चलते हैं यार, फिर वहाँ पे पार्टी का तो मजा आएगा ना। हाँ लेकिन बाबा मैं घर पर क्या बोलूंगा? अबे बोल देना किसी जरूरी काम से जाना है। अरे बाबा मुझे ऐसा कौन सा जरूरी काम है, इसीलिए तो बोलते हैं कोई काम कर लिया कर। मेरे पास एक आइडिया है। अरे कह देना खुले दूध वालों से मिलने जा रहा हूँ, नया बिजनेस का प्लान है। अरे हाँ बाबा ये हो सकता है। बस ठीक है बाबा, थोड़ी देर के बाद जो है ना गली के नुक्कड़ पे मिलते हैं बाबा सर, तैयार होकर। अरे यार जाएंगे कैसे? अरे बाबा क्या बात की बाबा, वो बार गाड़ी खड़ी मेरी, उस पे बैठ के चलेंगे बाबा। क्या बात करते हैं, गाड़ी में जाएंगे बाबा, चलो। गाय पे कैसे? अरे गाड़ी में जाएंगे बाबा, जाओ अभी तैयार होकर आओ बाबा, टाइम वेस्ट नहीं करो बाबा, जाओ। शाबाश जानी। अरे बाबा जानी, अरे बाबा जानी इधर आओ बाबा, ये कपड़े इस्त्री करने हैं। क्यों क्या हुआ, ये कपड़े गंदे हो गए हैं क्या? अरे नहीं बाबा ये गंदे नहीं हुए हैं, वो एक काम से बाहर जाना है उसके लिए पहन। क्यों और किस बात की थी जल्दी है? बस एक जरूरी काम है। जरूरी काम? ऐसा कौन सा काम है? अरे बाबा हर बात बतानी जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है, बच्चों में बीवी हूँ आपकी। अरे बेगम आप तो खा मखई में गुस्सा कर गई हैं, वो मुझे जरा दूध वालों से मिलने जाना है। अच्छा अच्छा, तो ऐसे कहे ना कि अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना है। कैसी बातें कर रही हैं बेगम आप, रिश्तेदार तो हमारे बड़ों के मालिक हैं, ये तो वो बेचारे खुले दूध वाले नहीं है, उनसे मिलने जाना है, एक बिजनेस का प्लान। वाह वाह बेगम, आपने ऐसा क्यों कहा? नहीं वो मैं ये सोच रही हूँ कि नया बिजनेस प्लान, लेकिन कोई फजूल सा प्लान लेके मत आ जाना, बोलो तो मैं साथ चलूं। अरे नहीं बेगम, आप लड़कों में जाकर क्या करेंगी? लड़के? अरे बाबा दूध वाले आदमी आदमी होंगे ना चारों तरफ, उसमें आपका क्या काम। हाँ हाँ, तो फिर ऐसा करो जाने का साथ ले जाओ। अरे बाबा मैं बच्चा हूँ जो, मैं अकेला नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा, नाराज क्यों हो रहे हैं, चले जाए। हाँ बाबा जानी, किधर हो बाबा, ये स्त्री करो बाबा सही तरीके से। बचवाई क्या दरवाजा खोलने जा रहे हो? नहीं हाँ, इतने हैरान और परेशान क्यों हो रहे, मैं ही खोल देता हूँ। अरे बाबा क्या मुसीबत है, इस वक्त कौन आ गया है, ये जाए तो मैं अपने काम से निकलूं बाबा। एक दफा फिर पेश खिदमत है मौला दाद साहब। अरे मेरा बेटा। बाबा सही, हाँ हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बाबा सही। वालेकुम सलाम बाबा सही, कैसे आना हुआ? अरे बच्चू यार ये क्या बात है भाई, मैं यहाँ आया हूँ, तुम समझ रहे हो किसी काम की वजह से आया हूँ क्या? बाबा जानी अच्छा वापस कब जाएंगे? और तुम कह देते तो मैं वहीं से बाहर से भी चला जाता मैं। नहीं नहीं बाबा जानी, मेरा मतलब वो नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ आए हैं तो आराम से ही जाएंगे ना। अरे नहीं बाबा मैं क्यों रुकूंगा, मैं तो शाम को चला जाऊंगा बाबा। अच्छा वैसे भी तेरा चाचा आ रहा है, मैंने सोचा यही मिल लेता हूँ, मैंने कहा बच्चू से मुलाकात हो जाएगी भाई। नहीं नहीं बाबा जानी नहीं। अरे तेरे चाचा से मुलाकात करानी है, तू तो ऐसे डरा है जैसे मौत के फरिश्ते से मुलाकात कराऊंगा तेरी। बाबा मसला ये है कि मैं जा रहा हूँ। भाई कहाँ जा रहे हो तुम, मैं आया हूँ तेरा चाचा आ रहा है। अरे बाबा गोली मारे चाचा को, मैंने एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अरे बच्चू बाबा तू शहर आके बहुत बदतमीज हो गया है यार, साथ में वैश्य भी, देखो अपने सगे चाचा को गोलियां मरवा रहा है। नहीं बाबा सही, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। आप जैसे भी बोल रहे हैं लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इतना तैयार हो के जा रहे हैं आप? बाबा एक जरूरी काम है।
वैसे मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक आप किसी काम के नहीं, ऐसा कौन सा काम आ गया? अरे बाबा बकवास बंद करो, वो खुले दूध वालों से मिलने जाना है बाबा, एक बिजनेस का प्लान किया है, हमारी मुलाकात का वक्त हो गया है। या खुदा, खैर जाएंगे कैसे आप? बाबा गधा गाड़ी पर, अपनी गाड़ी पर और किस पर, कैसी बातें करता है? देखिए तुमने गाड़ी चलाना करते थी तो सीख लूंगा बाबा से, तो कौन सा जहाज चलाना है? अल्लाह रहम करे। बच्चू साहब आपके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। चुप करो जानी, ये क्या पुलिस वालों की तरह तू तफ्तीश कर रहा है? अरे बाबा ये ठीक कह रहा है, तुम ऐसे नहीं जा सकते, न गाड़ी चलाना आती है न लाइसेंस है तेरे पास, बस मैंने कह दिया जानी तुम्हारे साथ रहेगा। चलो जानी। अरे बाबा जानी मुझे याद आया, उन्होंने कहा था बाबा कि अकेले आना, किसी को साथ मत लाना। बच्चे भाई पार्टी से मिलने जा रहे हैं या अगवाकारों से? अरे बाबा वो कोई पार्टी वार्टी नहीं है बाबा, दूध वाले हैं, और तुम्हें क्या पता दूध वाले कैसे होते हैं। लेकिन बच्चे भाई मुझे डर है, अब गाड़ी कैसे अकेले चलाएंगे? अरे बाबा मैं तुम्हारा मालिक हूँ या तुम मेरे मालिक हो? अब मुझे तो बाबा सही कह रहे थे कि मैं आपके साथ जाऊँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, फिर तनख्वाह भी उन्हीं से लेना। अरे बच्चे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, जहाँ दिल करे आप जाए, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। अच्छा मैं वापस अंदर जाता हूँ। बाबा जाओ जाओ जाओ। अरे क्या बकवास है, कहाँ रह गया ये? अपनी गाय का तो राजी नहीं कर रहा कहीं? पता नहीं यार इतनी देर लगा दी, अबे कहीं वो हमको अपनी गाय पे तो नहीं लेके जाएगा? अबे चुप कर यार, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। ओ ये कौन आ रहा है? अबे ये तो बच्चू है। अबे हाँ चल चल। आ बाबा आ जाओ बाबा आ जाओ। आ बाबा बैठो बाबा बैठो। एक मिनट बाबा ये खुल गया। अरे वाह बच्चू भाई, किसकी गाड़ी ले आई है? अरे बाबा किसकी क्या मतलब है, मेरी गाड़ी है। मैं तो समझा शायद गाय में जाएंगे। अजीब सी बात की अपनी तरह। चलती वलती है? हाँ देखो और चलाओ। ऐसी चलेगी? बाबा सबर, चलती है चलती है। जरीना, ओ जरीना। अरे बाबा किधर है तुम? जरीना, ओ जरीना। जी बाबा साहब। जी जी। अरे ये अदा बच्चू किधर है, नजर नहीं आ रहा? अरे बाबा वो जरूरी काम से गया है। जरूरी काम से? उसको तो भला कोई काम ही नहीं होता, जरूरी काम फिर क्या है? अरे बाबा ये बहुत लंबी कहानी है, तुम ऐसा करो मुझे एक गिलास पानी का तो पिला दो। अच्छा भला ठीक है। जाने। अरे बाबा जानी बच्चू के साथ गया हुआ है ना? अरे मुझे वो दे। जी 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 मैडम, बुलाया आपने? अरे जानी तुम बच्चों के साथ नहीं गए? मैं अगर उनके साथ चला जाता ना तो मेरी तनख्वाह चली जाती। क्या मतलब? मतलब ये कि हाँ मैं नहीं गया, छोड़ो इस बात को। ये बताएं आपके लिए कुछ लाऊं मैं? हाँ मेरे लिए जहर लाओ बाबा। अरे बाबा जानी इस तरह करेगा तो फिर वो तो जेल में चला जाएगा। बाप की जिंदगी का कोई ख्याल नहीं है तेरे। अरे वो तो मुझे पता है, अगर जानी जहर ले भी आए तो आपने भला कौन सा खाना है। अच्छा बस बस अब जाओ जाके पानी ले आओ। पानी के साथ खाएंगे क्या? क्या जहर जाता है या भेजू तुझे? बाबा सही गुस्से में मजीद बुरे लगते मैं आप। अरे पापा साईं छोड़े ना भला गुस्से को थूके, आप आराम से बैठो सब ठीक हो जाएगा। अरे बाबा तेरे को तो मालूम है कि मुझे जो है ना कानून सीखनी बिल्कुल पसंद नहीं है, कानून तोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, और उसको गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस भी नहीं है ना। अरे बाबा साईं आपको लाइसेंस ही पड़ी हुई है, उस बेचारे को तो गाड़ी भी चलाने नहीं आती है। अरे मालूम है बाबा मालूम है, बस उसको आने दो, आज उसकी खैर नहीं है। ओहो हर वक्त तुम डांटते ही रहते हो हम सब लोगों को। चलिए ये तो कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। मुझे तो वो गाड़ी मशकूक नजर आ रही है, रोको नजर आ इनको। ओए इनको छोड़ो, चलो जाने दो, ये गाड़ी आ रही है उसको रोको, रोको इसको। अरे बाबा ये पुलिस वाले कहाँ खड़े हैं बाबा? नहीं बाहर नहीं जाने बाबा, बाहर नहीं जाने अभी किसी ने। रुक जाओ बाबा रुक जाओ। अरे ये तो बेग साहब है। अरे बेग साहब आप कैसे हैं? ये रिश्तेदारियां बढ़ाने का टाइम नहीं है, बाहर आओ ना। अरे बाबा आप लोग अंदर आ जाओ, साथ चलते हैं बहुत मजा आएगा। और सुना नहीं तुमने साहब क्या कह रहे हैं, नीचे उतरो। अरे बेग साहब आप तो बिल्कुल गैरों की तरह बात कर रहे हैं।
तुम रहने दो, क्या कहा है उन्होंने? उतरो नीचे। आ जाओ बाबा, आ जाओ नीचे, आ जाओ। आ बाबा, बोलो बाबा। कहाँ से आ रहे हो? अरे बाबा वहाँ से आ रहे हैं, आपने देखा नहीं है क्या? जलाल साहब, ये तो मेरा मौलेदार है। ओ वो ठीक है, इनसे पूछो ना जरा, ये कहाँ जा रहे हैं? बाबा हम बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। बेटा शक्ल से तो चोर डाकू लगते हो, सही सही बता दो वरना खाल खींच के रख दूंगा। कहाँ जा रहे थे? अरे बाबा तमीज से बात करो बाबा, हम इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार लोग? आवाज नीचे रख, नहीं तो अंदर कर दूंगा। अरे बाबा हम तो चाहते हैं कि आप हमें अंदर कर दे और हम यहाँ से चले जाएं, हमने जहाँ जाना है। अरे मैं जेल के अंदर की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं बाबा ऐसा नहीं करना। लाइसेंस दिखा ना जरा। बाबा लाइसेंस ये क्या होता है? बाबा जानी भी ये पूछ रहे थे, आप भी ये बोल रहे हो। तुमको ये नहीं मालूम लाइसेंस क्या होता है और गाड़ी में निकल आया? अरे बच्चू लाइसेंस एक इजाजत नामा होता है जिसका मतलब ये है कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। अरे बाबा इसमें पूछने मुझसे अभी पूछ लो ना बाबा, देखने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं आती गाड़ी चलानी। बकवास कर रहे हैं, आगे से गाड़ी चलानी भी नहीं आती और ये पक्के मुजरिम है। नहीं नहीं सर, सर हम लोग शरीफ नहीं, हम शरीफ हैं। माफ कर दे सर। हाँ शरीफ लोग हैं, सबको बताता हूँ ना अभी मैं कि कितने शरीफ हैं ये लोग। अरे भाई ये बताओ कि तुम लोग जा कहाँ रहे हो आखिर? नहीं बाबा ये नहीं बता सकते, ये खुफिया बात है। मैंने कहा था ना ये पक्के मुजरिम है, ये जा रहे हैं कई वारदात करने। कागजात दिखाए। कागज? किस चीज के कागज बाबा? मैं गाड़ी के कागज की बात कर रहा हूँ। अरे बाबा कागज, मैं अब कागज कहाँ से लाऊं बाबा? देखा ना मैंने कहा था ना ये गाड़ी को छीनी हुई है, तभी कह रहा है कागजात क्या होते हैं। अरे बाबा गाड़ी के भी कोई कागज होते हैं? मैंने कहा था ना कि कागजात भी नहीं है इसके पास, ये कोई वारदात करने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये गाड़ी भी छीनी हुई है। नहीं नहीं सर गाड़ी इसी की है बच्चू, कागज कहाँ है? अरे बाबा तुम भी वही कागज की बात कर रहे हैं, कागज होते हैं क्या गाड़ी के? सर हमें सिर्फ दो मिनट दीजिए, हम इसको समझा के आते हैं। समझाओ ना इसको जरा। जाओ जाओ उधर आओ बाबा, उधर आओ। क्या कर रहे हैं यार बच्चू, तेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। करवा दिया यार। अरे बाबा चुप करो, मैं जब सच बोल रहा हूँ कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है तो लाइसेंस क्यों चाहिए बाबा, सच की कोई कदर होनी चाहिए। ए? अरे बच्चू जुर्म होता है ये यार। अरे बाबा क्या बकवास है ये? सब कुछ छोड़ो कागज का है। अरे बाबा अब नहीं बकवास है, ये कागज क्या होते हैं? अरे हर गाड़ी के कागज होते हैं, पेपर्स, इसके कहाँ है? अरे बाबा जब गाड़ी यहाँ मौजूद है तो कागज का चार डालना है। कागज इस बात का सबूत है कि गाड़ी आपकी अपनी है। देख बच्चू कागज तुझे देने पड़ेंगे वरना हम सब जेल जाएंगे। अरे बाबा तो फिर क्या करूँ बताओ ना। मैं बताऊँ ये वाले कागज मांग रहे। अच्छा बाबा एक मिनट बाबा एक। चलो ए, बाबा आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर इधर बाबा ये जी जी आ जाओ। सर इसके समझ में आ गया है बच्चू, जो समझाया था देना कागज। हाँ बाबा हाँ बाबा ये वो ये कागज ये ले लो बाबा, मुझे पता आपको ये वाले कागज चाहिए थे, ये ले लो अब हमें जाने दो बाबा। भाई ये क्या है, मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? अरे बाबा आप कागज समझ के रख लो और हमें जाने दो बाबा, आप समझाओ ना अपने सिपाही को। सिपाही मैं? ओ बच्चू ये मेरे सीनियर अफसर हैं। अच्छा अच्छा बाबा अच्छा माफी माफी बाबा माफी। बेग साहब इन सबको ना लेके चलो थाने और इनकी तो तबीयत होगी सही, इनकी होनी चाहिए सही की चित्रहल। बेटा इन पे तो लगेगी ना 3-4 केस, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो, ना मालूम मकाम पर जाते हो और चोरी की गाड़ी भी इस्तेमाल करते हो और आगे से हमें देते हो रिश्वत। अरे सर मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि आप इतने सख्त अफसर है। देखिए मैं अगर थाने गया ना तो हम बहुत शरीफ लोग हैं बाबा, हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी और वो मेरे बाबा जानी बेचारे उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। जलाल साहब मैं इन्हें जानता हूँ, शरीफ लोग हैं, वैसे सबक सिखाना जरूरी है, आप बेफिक्र रहे ये भागेंगे नहीं। अब एक साहब आप तो लिखो ना इन सब का एड्रेस और इस रिश्वत देने वाले के घर से अगर कोई नहीं आया ना तो इन सबको डालो जेल में और वो छितराल करो जिंदगी भर याद रखे। चलो ए, चलो ना, चलो बाबा चलो निकलो यहाँ से। बाबा बैठो उधर बैठो। बाबा गाड़ी कैसे चलती है मैं तो भूल गया। चलो 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 नहीं बच्चू मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे बाबा सवाल कैसे का नहीं है, सवाल है क्यों नहीं कर सकती। अगर तुमने ये नहीं किया ना बाबा
तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, बाबा जानी मुझे मार देंगे। नहीं नहीं बच्चू, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। ए बेगम मेरी बात समझने की। पापा साईं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के गुस्सा हो रहे हैं। देखा सीमा, वो अभी से गुस्से में, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने, नहीं 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 बाबा कुछ करो बाबा, वो तो मुझे जान से मार देंगे। अरे भला तुमको क्या हो गया, तुम तो ऐसे डरो जैसे तुमने किसी का कत्ल कर दिया है। अरे अदी जरीना, तू मेरा ये काम कर सकती है। क्या काम? अरे पापा खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो बाबा, मैं ये नहीं कर सकती। पापा सही तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देंगे। बाबा देख जरीना, तू ही है जो मुझे बचा सकती है बाबा जानी से। अरे नहीं बाबा, बाबा सही तो घर में, ये सब उनके सामने कैसे होगा। बाबा मेरे पास एक तरीका है, एक मिनट जरा सब्र कर। हेलो, हाँ बाबा हो गया, काम हो रहा है बाबा, काम हो रहा है, सब्र करो बाबा। कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा क्या हुआ, कौन सा जानवर दिखाने लाए हो, किधर है बाबा वो? अंकल उस बंदे ने बताया था वो भैंस एक वक्त में 100 किलो दूध देती है। अरे बाबा ये तो कब से सुन रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ है, भैंस कहाँ रह गई, देखो तो सही। मेरा ख्याल है तैयार होने में वक्त ले रही है वो। अंकल आप परेशान ना हो, बस वो थोड़ी देर में आता ही होगा। ठीक है ठीक है, उसको आने दो, देखे तो सही कौन सी गाय है या भैंस। गाय है, भैंस है, भैंस है, भैंस है। अरे बाबा जरीना एक बात सुन, बाबा पुलिस वाले के सामने मरवा मत देना। अरे बाबा मैं कहाँ मरवाऊंगी, मगर अगर बाबा साहब को पता चल गया ना तो मुझे लगता है कि तुमसे पहले मेरी जान जाएगी। अरे बाबा कुछ नहीं होता है। अच्छा वो जरा डलाग बोल के दिखा ना बाबा। हवलदार साहब मेरे बच्चे को। अरे 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 नहीं बाबा नहीं, हवलदार नहीं है। तो भला फिर क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता है बाबा क्या है, तू एक काम कर, तू अफसर बोलती। अफसर? हाँ ठीक है, अफसर साहब मेरे बच्चे को माफ कर दे, अगर हमारे पापा साहब को पता चली गया तो वो मर जाएंगे। अरे बाबा जरीना क्या करती है, तू मेरी अम्मा का किरदार कर रही है बाबा। ठीक है मैं भूल गई थी, दोबारा 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 इस बार ना बाबा गलती ना हो। अच्छा ठीक है, किरदार से बाहर नहीं आना। अच्छा ठीक है, अफसर साहब मेरा बच्चा बहुत बोला है, पापा उसे माफ कर दो। अब उसके पापा साहब को पता चल गया तो बहुत मसला हो जाएगा पापा, कई दफा उस बेचारे को गुर्दों के दिल का दौरा पड़ चुका है। जरीना जरीना। अरे जरीना नहीं अम्मा, देखे पुलिस अफसर साहब बेचारा बच्चा पागल हो गया। अरे बाबा मेरा मतलब है गुर्दों में दिल का दौरा। अरे नहीं बाबा तू छोटा था, तेरे को क्या पता। अरे जरीना बस कर मेरी बात सुन बाबा। देखो अफसर साहब ये बेचारा पागल हो गया है, अपनी माँ को जरीना 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 बुला रहा है। अरे बाबा तू गलत कर रही है। अरे नहीं बाबा मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, मैं तो तेरी जमानत करा रही हूँ। अरे जरीना तू गलत जुमला बोल रही है बाबा। अब क्या अदा भला ऐसा बोलो ना, मुझे क्या पता, मैं तो किरदार मेरे कैसा बोल रही थी। अच्छा बाबा दुपट्टा डाल, बाबा दुपट्टा डाल, ये लकड़ी मुझे पकड़ा बाबा। अगर बाबा साहब को पता चला ना तो मैं पहले बता रही हूँ, मैं खुद ही बता दूंगी कि ये सारा प्लान तुम्हारा था। चुप रहना बस, और ऐसे चल रहे ठीक है। चलो बाबा चलो, अब हम गिरना नहीं है माँ। अच्छा बाबा चलो, एक्टिंग सही है ना? हाँ बाबा बिल्कुल ठीक है। छोड़ो यार लगता है वो नहीं आएगा। अरे अंकल थोड़ी देर रुक जाए ना प्लीज, आता ही होगा। अंकल थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ी देर प्लीज अंकल। अरे बाबा हम लोग क्या यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं? नहीं तो नहीं नहीं अंकल थोड़ी देर रुक जाए ना प्लीज अंकल। बकवास बंद करो, मुझे जाने दो। अंकल 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 रुके तो। अब
वादी वाह बहन, तो बाबा तेरे जैसी पुलिस से भी जान छूट गई बाबा, और किसी को पता भी नहीं चला। अबे काम कर, अपना हुलिया ठीक कर ले इससे पहले कि बाबा सही आ जाए। पापा थक गई, थोड़ा आराम तो कर। अरे बाबा सही कभी भी। अरे ओ जानी, ओ पानी लाओ। जी 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 जी। अरे बाबा बच्चू। हाँ बाबा। क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो बाबा? नहीं बाबा सही, मैं घबराया हुआ तो नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया बाबा सही, मैं घर से बाहर भी नहीं गया। अच्छा अच्छा, मुझे याद आया तुम उस वक्त जानी को साथ क्यों नहीं लेके गए बाबा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मौलादाद? हाँ ठीक ठाक हूँ बाबा। अब खुलेगा राज। अरे बेगजाब, आप थाने में जाकर बैठे ना। अरे भाई देखा तो था तुमने, सारा दिन बैठे बैठे में थक जाता हूँ, वो तो मैं माजरत करने आ गया था मोहल्ले वालों की वजह से। अरे बाबा कैसी माजरत? अरे वही बच्चों ने बताया नहीं आपको? नहीं बाबा सही, वो बताया था ना मैंने आपको, दिल का मसला है बाबा। ओहो वो मामला तो अब खत्म हो गया है, मैं तो मोहल्लेदारी की वजह से आया था। अरे बाबा ये क्या हो रहा है सब कुछ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना। अच्छा अच्छा मैं बताता हूँ आपको। देखे ना ये हमारे बच्चों की तरह है, इसलिए सबक सिखाना बहुत जरूरी था। अगर आपको इसकी वजह से कोई तकलीफ हुई है तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ आपके। और हाँ वो तो अल्लाह भला करे इनकी वालदा का, जो खुद थाने आ गई और आकर उन्होंने बड़े साहब से माजरत कर ली। हैं माँ? अब बाबा किसकी माँ? अरे भाई इसकी माँ और आपकी अहलिया। वो कहाँ से आ गई भाई? घर से आई, वो भी थाने। भाई बड़ी नफीस खातून है, अगर वो घर में हैं तो उन्हें बुला ले, मैं उनसे भी माजत कर लेता हूँ। लेकिन बाबा इसकी माँ? अरे भाई आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं कि जैसे ये बिना माँ के पैदा हो गए। अरे बाबा इसकी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए बेग साहब। बच्चू भाई कम से कम मौलादा साहब को तो दिखा देते। अरे कौन थी वो बेशम, किसको माँ बना के लेके आया था तू? बता मुझे कौन है वो, जल्दी से बता मुझे, फोन कर उसको, बुला उसको अभी के अभी इधर। बच्चू भाई कम से कम मौलादाद साहब को तो दिखा देते। अरे जानी बाबा तुम तो चुप करो ना बाबा, अब देखो ना रहने दो ना इस बात को। हाँ हाँ बता। जी बाबा भाई। अरे बाबा बाहर आ जाओ, हम पकड़े गए बाबा, पोल खुल गया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबा आ जाओ। हाँ जरा गौर से देखे, यही थी वो पहचाने से। अरे बाबा जरीना तू, अब तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बच्चू तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वैसे कहावत है कि शरीफ आदमी पर बेटी के घर का पानी भी आराम है। सेठ साहब पानी ले आओ। पानी पानी नहीं 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 पानी का चाय तो पी सकते हैं ना। पैसे मत मांगना, हिसाब के हैं पूरे। एक्सक्यूज मी, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं तुझे जाहिल लग रहा हूँ, गवार लग रहा हूँ। अबे इस हुलिये पे मत जा, आज के दौर में सबकी यही हालत हो गई है। आपने उनकी लॉटरी का नंबर देखा? हाँ बहुत ही लंबा था जी। क्या था? मेरे को जूते का नंबर याद नहीं होता तो वो कैसे रहेगा जी? अरे पापा उनकी लॉटरी का नंबर था 2220420। बस अब तुम कम से कम अपनी जुबान बंद रखना। मुझे क्या मिलेगा? 1 करोड़ की लॉटरी है तो ठीक है, 400-500 तुम रख लेना। मैं अभी बताता हूँ मौलाना साहब। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नो कर वो जा कर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।